श्रावणी टू वीवर्स, मैं हूँ शौकत कियानी और आज हम विज़िट करेंगे डीएचए वैली इस्लामाबाद का कि डीएचए वैली इस्लामाबाद में जो डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है, डेवलपमेंट किस स्पीड के साथ हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, इसका हम विज़िट करेंगे। नाज़रीन चलें हम विज़िट करते हैं डीएचए वैली इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ शौकत कियानी और आज मैं आपको विज़िट करवाऊँगा डीएचए वैली इस्लामाबाद सेक्टर बुगनविलिया का। और इस वक्त हम मौजूद हैं डीएचए वैली सेक्टर बुगनविलिया की जो मेन बुलेवार्ड है इसके ऊपर हम मौजूद हैं, जो इसकी मेन एंट्रेंस होगी कलर साइदा रोड के ऊपर, हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। आप अपनी स्क्रीन पे सेक्टर बुगनविलिया डीएचए वैली इस्लामाबाद देख रहे हैं। ये जो बाउंड्री वॉल आपको दिखाई दे रही है इसके बाहर कलर साइदा रोड है, यहाँ पर मेन एंट्रेंस बनेगी डीएचए वैली सेक्टर बुगनविलिया की। ये मेन बुलेवार्ड जिस पे काम इंतहाई तेज़ी के साथ हो रहा है, काफ़ी ये तकरीबन आधी मेन बुलेवार्ड जो है वो कारपेट इस वक्त हो चुकी है। और यहाँ पे सेक्टर बुगनविलिया में जो तकरीबन 5,500 प्लॉट हैं इनकी डेवलपमेंट का काम जो है वो इंतहाई तेज़ी के साथ इस वक्त हो रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेन बुलेवार्ड के साथ सीवरेज लाइनें बिछाई जा रही हैं, सीवरेज का नाला आपको दिखाई दे रहा था। इस वक्त डीएचए वैली इस्लामाबाद में इंतहाई तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रही है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, बुगनविलिया अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ब्लू बेल में चले जाएँ वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है, रोज़ में भी हो रही है, मैग्नोलिया में भी हो रही है, ओलेंडर में भी हो रही है, डेफोडिल में भी इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, लिली में भी हो रही है। ये जो 7 सेक्टर जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, इन सेक्टर में इससे पहले 2 बार बैलेट हो चुके हैं, फर्स्ट बैलेट और सेकेंड बैलेट। रीज़न यही थी कि यहाँ पे डेवलपमेंट इंतहाई तेज़ी के साथ हो रही है। ब्लू बेल में तो तकरीबन 70% एरिया उसका पहले से ही मुकम्मल डेवलप है, रोज़ का भी 50% एरिया मुकम्मल डेवलप है और उसका जो बाकी 50% एरिया था उस पर अभी डेवलपमेंट का काम हो रहा है। मैग्नोलिया तकरीबन 80% इस वक्त मुकम्मल डेवलप और उसका जो 20% एरिया अभी अनडेवलप है उस पे इस वक्त इंतहाई तेज़ी के साथ काम हो रहा है। इसी तरह सेक्टर ओलेंडर जो है वो भी तकरीबन 60-70% पहले से डेवलप है और जो बाकी उसका एरिया बनता था जो अनडेवलप था उस पे इस वक्त इंतहाई तेज़ी के साथ काम हो रहा है। इसी तरह सेक्टर डेफोडिल उसका भी तकरीबन 50% एरिया जो है वो पहले से डेवलप है, मुकम्मल डेवलप है और जो बाकी उसका एरिया अनडेवलप था उस पर इस वक्त इंतहाई तेज़ी के साथ काम हो रहा है। लेकिन आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डीएचए वैली सेक्टर बुगनविलिया, जहाँ पे डेवलपमेंट का काम इंतहाई तेज़ी के साथ इस वक्त हो रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। नाज़रीन सेक्टर लिली में भी काफ़ी एरिया उसका पहले से बना हुआ है और जो उसका कुछ एरिया रहता था जहाँ डेवलपमेंट होना थी उस पर इस वक्त इंतहाई तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही है सेक्टर लिली डीएचए वैली इस्लामाबाद में। और डीएचए वैली में जो सेक्टर ब्लू बेल में ब्रिज बन रहा है डीएचए फेज 6 और डीएचए वैली के दरमियान, उस पर भी इंतहाई तेज़ी के साथ काम हो रहा है। ब्रिज का काम आने वाले 2-3 माह तक तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा, ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा और आप डीएचए वैली से डीएचए फेज 6 इस्लामाबाद में जा सकेंगे। नाज़रीन वीडियो ख़त्म होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको डीएचए वैली में जो काम हो रहा है, इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, वो बर वक्त आपको दिखा सकूँ ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन हो कि डीएचए वैली में इस वक्त काम जो है वो कितनी तेज़ी के साथ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे अलॉटी जो है वो काफ़ी परेशान थे, डीएचए वैली इस्लामाबाद के अलॉटी के डीएचए वैली में काम जो है वो नहीं हो रहा या काम वहाँ पे स्लो है। तो ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप खुद देख सकें कि डीएचए वैली में काम डेवलपमेंट का कितनी तेज़ी के साथ हो रहा है।
और इंशाल्लाह डीएचए वैली अब आने वाले वक्त में बहुत जल्द डेवलप होगी और इंशाल्लाह आपको कब्ज़ा मिलेगा।